पूर्व विधायक व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के वाइस चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने प्रदेश में आए दिन बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किए। हमीरपुर में पठानिया ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था को खूब बुनाया था और प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का वायदा किया था, मगर सत्तासीन होते ही प्रदेश सरकार अपने वायदे भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन गुंडागर्दी की घटनाओं के अलावा दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और प्रदेश सरकार उन पर मूकदर्शक बनकर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। हमीरपुर के होली मेले के दौरान मीडिया के साथ हुई बस सलूकी पर पठानिया ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अपना कार्य करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में हुई घटना निंदनीय है और पुलिस व प्रशासन को कानून व्यवस्था को सही करने का काम निष्पक्षता से करना चाहिए। कानून व्यवस्था के ऊपर इसने लोगों से वोट लिए और विकास के मामले में जो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में विकास किया था उसका तो इनके पास कोई तोड़ नहीं था, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक फायदे के लिए कानून व्यवस्था का सहारा लिया और जो गुड़िया कांड हुआ उसका सहारा लिया और जो श्यार सिंह का कांड हुआ उसका सहारा लिया और आज वो श्यार सिंह उसी के वर्तमान मुख्यमंत्री के इलाके का है केस है। लेकिन आज जो परिस्थिति है पूरे हिमाचल में कानून व्यवस्था का तो बुरा हाल है, इवन हमीरपुर में भी जो आए दिन लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं और अभी हाल में ही सुजानपुर में जो एक लड़के के साथ जो पुलिस ने व्यवहार किया वो अवमाननीय है। जिस तरह उसको वहाँ से उठा के भूसे और ठुड्डों से आगे ले गए ये भी एक कानून व्यवस्था की जीती जाती उदाहरण है। तो आज ये सरकार जो वो कानून व्यवस्था जो वो पूरे प्रदेश में और खासकर जिला हमीरपुर में बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसके लिए जो लोग जो है वो आने वाले चुनावों से इनसे साथ देंगे। जब मीडिया कर्मी वहां थे तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई, जो कि हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इसके साथ इस तरह का व्यवहार, इससे साफ झलकता है कि कानून व्यवस्था जो है पूरे प्रदेश में फेल है 100 दिन में।